तो YouTube, इसको तो आप जानते ही होंगे। ये क्या है, क्या करता है, शायद किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मज़ा तब आता है जब YouTube का ही ऐप मुझे बताता है कि दोस्त बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे या फिर कहें YouTube को बंद कर दो। इंटरेस्टिंग है ना। ऐसे ही बहुत कमाल कमाल के फीचर्स हैं YouTube में जो शायद आपको ना मालूम हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे फीचर्स, जिन्हें हम सेटिंग्स भी कह सकते हैं, जो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए जिससे आपके YouTube का एक्सपीरियंस और बेहतर हो सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ फीचर्स, कुछ सेटिंग्स की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां मैं हर रोज़ मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इस एप्लीकेशन में आपको राइट साइड टॉप में एक छोटी सी इमेज दिख रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है आपकी YouTube सेटिंग्स में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है वही पेज जिस पेज के थ्रू ये पूरी एप्लीकेशन रन हो रही है। ऊपर आप हमारा नाम, हमारी आईडी देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगर आपका कोई चैनल है, कोई स्टूडियो है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक स्टेट्स है जिसमें लिखा है टाइम वॉच्ड। इसमें आता है दोस्तों आपने हफ्ते भर में हर दिन या आज के दिन कितनी देर यूट्यूब चलाया, ये यहाँ पर काउंट होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2 hours 31 minutes डेली एवरेज। ये हर दिन का एवरेज है जो मैं YouTube को चलाता हूँ। वैसे ऐसा है नहीं दोस्तों, लेकिन ये कुछ पिछले मंगलवार को कुछ ज़्यादा देखा गया होगा, तभी जाके ये ऐसा एवरेज बना है। आज आप देख सकते हैं टुडे में लिखा हुआ है 54 minutes हमने YouTube चलाया है। पिछले 7 दिनों में हमने 17 hours 37 minutes जो है YouTube को चलाया है। इसके नीचे जो सेटिंग्स हैं, इन्हें मैं जब पीछे आकर सेटिंग्स में लेकर जाऊँगा तब आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ टाइम वॉच आ गया है। एक यहाँ दे रखा है दोस्तों टर्न ऑन इनकॉग्निटो, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है टर्न ऑन इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है गूगल क्रोम में, इनकॉग्निटो क्या होता है उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आई लिंक में जो है लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जाकर लास्ट में देख सकते हैं। टर्न ऑन इनकॉग्निटो दोस्तों, यहाँ पर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद अब आपका जो है इनकॉग्निटो मोड में ये एप्लीकेशन आ गया है। आपकी आईडी यहाँ से हट गई है और ये बिल्कुल भी किसी भी साइन इन करके किसी भी आईडी के थ्रू ये लॉगिन नहीं, ये यूट्यूब जो है ना तो इसकी हिस्ट्री यहाँ पर सेव होगी, ना यहाँ पर इसका सर्च हिस्ट्री सेव होगा। इससे बाहर जाने के लिए हमें क्या करना है, दोबारा से जो हम अभी राइट टॉप पर आप देख रहे थे उस पर आप क्लिक कर देंगे, आप टर्न ऑफ इनकॉग्निटो कर देंगे और आप दोबारा से जो है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आईडी से यहाँ पर लॉगिन होकर आ जाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों नीचे सेटिंग्स दिख रहे हैं, जो कि आज हमारा मेन मुद्दा है इस वीडियो का। हम सेटिंग्स पर जाएंगे। सेटिंग्स पर जाने के बाद जो है दोस्तों हमें चलना है जनरल पर। जनरल पर जाने के बाद आप देख सकते हैं पहला ही लिखा है रिमाइंड मी टू टेक अ ब्रेक। अक्सर आपने देखा होगा हम कोई मूवीज़ देखते हैं, कोई हम सीरियल्स देखते हैं, जब हम एक कनेक्टिविटी में जुड़ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, तो जब आप इसको एनेबल करेंगे ये आपको रिमाइंड कराएगा। आप इसमें रिमाइंडर टाइम डाल सकते हैं कि कितनी देर में ये आपको रिमाइंड कराए, उतनी देर में ये बार बार आपको जो है रिमाइंड कराता रहेगा। इसके बाद दे रखा है रिमाइंड मी व्हेन इट्स बैड टाइम। दोस्तों अक्सर जब हम लोग जैसे कहें जो लोग नौकरी में होते हैं, जॉब में होते हैं, स्कूल कॉलेजेस जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें रात के टाइम पता नहीं चलता है और वो कोई भी मूवी देख रहे हों, कोई सीरियल देख रहे हों, क्रिकेट मैच की हाईलाइट कुछ भी देख रहे हों, तो उन्हें बताने के लिए कि अब ये आपका बैड टाइम हो गया है, तो आप जैसे ही इसको इनेबल करेंगे ये एक टाइम को फिक्स कर देगा। शो रिमाइंडर ड्यूरिंग दिस आवर्स, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आपको सेलेक्ट करना है। आप नीचे एक टिक भी लगा सकते हैं जिसमें लिखा है वेट अंटिल आई फिनिश वीडियो टू शो रिमाइंडर। ये रिमाइंडर अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और मान लीजिए आप 11 बज गए हैं, 10 मिनट बाद वो वीडियो जो है ख़त्म होने वाला है, तो ये 11 बजे नहीं 11:10 पर जो है आपको तुरंत रिमाइंडर दे देगा कि आपका जो है अब सोने का टाइम हो गया है। इसके बाद दोस्तों अपीयरेंस, आजकल सारे एप्लीकेशन अपना रहे हैं लाइट और डार्क थीम जो है। इसके बाद जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन और जो इसमें फीचर है लिमिट मोबाइल डेटा यूसेज, इसको आप जैसे ही इनेबल कर देंगे इसका फ़ायदा ये है ओनली स्ट्रीम एचडी वीडियो ऑन वाईफाई। जब हम
कोई वीडियो देख रहे होते हैं और जब उसका जो है पिक्सल्स ऑटोमेटिक होता है, हम उसको सेट नहीं करते हैं 360, 280, 480 और जो है 1080 पर, 720 पर, तो वो ऑटोमेटिकली जो है HD क्वालिटी में चला जाता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा मोबाइल का डाटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप अगर इसको इनेबल करके रखेंगे और आप अपने मोबाइल डेटा से जो है सिम डेटा से आप नेट चला रहे हैं, आप वाईफाई से नेट नहीं चला रहे हैं, तो ये उस वीडियो को कभी भी HD क्वालिटी में लेकर जाएगा ही नहीं। इससे आपका डेटा भी बहुत ज़्यादा बचेगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, इसके बाद लिखा हुआ है डबल टैप टू सीक। इस पर आप क्लिक करेंगे, जो आप वीडियो के टाइम चलते वीडियो में आप डबल टैप करते हैं तो उससे आप कितने सेकंड का फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिमाइंडर होना चाहते हैं वो आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों, एक ये दो ऑप्शंस और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। एक लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड मोड। ये मोड जो है हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक एज में हैं और आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन अगर बच्चे ले लें या आपके घर के बुज़ुर्ग सीनियर ले लें और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कंटेंट जो है उनको शो ना हो जो भी आप देखते हो, तो आप इसको रिस्ट्रिक्टेड मोड को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपके छोटे घर में बच्चे हों या जो सीनियर्स हों उनको कोई भी ऐसा मोड जो है वहाँ पे नहीं दिखेगा। एक दोस्तों नीचे दे रखा है इनेबल स्टेट्स फॉर नट्स, आप इसको इनेबल कर देंगे। इसको इनेबल करने के बाद आपको आपके जो आप वीडियो चला रहे हैं आप उस पर जा सकते हैं। वीडियो पे जाने के बाद आप जो उसकी सेटिंग्स में आप देखते हैं कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर जो है उसके कुछ स्टेट्स लेके आते हैं कि आप कौन से मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, उसका कितना डायमेंशन है, क्या उसका वॉल्यूम है, क्या उसकी बैटरी है, क्या उसका टाइप है, ये सभी जो है। एक और दोस्तों मैं सबसे अच्छी चीज़ आपको दिखाना और बताना चाहूँगा, जो कि हो सकता है कि कुछ यंग एज के लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो। हम जाएंगे हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में। हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में जाने के बाद आप ये दो ऑप्शन देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है पॉज वॉच हिस्ट्री और पॉज जो है सर्च हिस्ट्री। आप ये दोनों देख पा रहे होंगे, वॉच हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री। इन दोनों को इनेबल करने के बाद दोस्तों होगा क्या, मान लीजिए आप थोड़े टाइम के लिए आपने अपने दोस्त को फ़ोन दिया या आपके दोस्त ने फ़ोन लिया और वो कुछ देखना चाहता है या कुछ काम करना चाहता है, तो वो यहाँ पर आप जब तक इसको वॉच हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री को पॉज कर देंगे तो जो भी कंटेंट को सर्च किया जाएगा वो ना तो वॉच हिस्ट्री में जाएगा और ना ही सर्च हिस्ट्री में जाएगा। और जैसे ही आप इसको डिसेबल कर देंगे तो दोबारा से आपकी जो है सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री जैसा जो पहले से था ऐसा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बहुत अच्छे फीचर्स थे, बहुत ही अच्छी सेटिंग्स थी जो कि हमें यूट्यूब पर करना चाहिए। और हो सकता है कि यूट्यूब पर हमारा एक्सपीरियंस इन सब का यूज़ करके जो है और भी बेहतर हो। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये YouTube से जुड़ा हुआ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।